43 दिन से 44वां दिन है हम लोग यहाँ एक धरना कर रहे हैं। हमारी पार्किंगें हैं ये, जिन पर नगर निगम अवैध रूप से कब्जा करना चाह रहा है, और क्योंकि ये सत्ता आती है तो उसी हिसाब से लोग, सत्ता के लोग अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए इस तरह का काम करते हैं, चाहे उनको वोट देने वाला व्यापारी कितना भी परेशान रहे। आज हमको 44वां दिन है, और इस बीच में जो लोग हमारे पास हाथ जोड़कर वोट मांगने आए थे, जो उस समय हमारे पास अवेलेबल रहते थे, जो ये बताते हैं कि हम बड़ा कर्मठ हैं, कार्यशील है और युवा हैं, फलाना है, ढिमाका है, उन्हीं लोगों को जो लोग पहले हमारे पास आते थे, आज हम उनको ढूंढ रहे हैं 43-44 दिन से, वो नहीं मिल रहे हैं। सांसद विधायक का कहना ये है कि ये नगर निगम का मामला है, हम इसके परिधि में नहीं आते। तो क्या हमने आपको गुहियाँ छीलने के लिए रखा था? क्या हमने आपको बनाया क्यों था? अगर आपकी स्थानीय सरकार, जरा सा नगर निगम अगर आपकी बात नहीं सुन सकता, अन्याय के खिलाफ आप जिन लोगों से वोट लिया था उनके साथ नहीं खड़े हो सकते, तो फिर बेकार है। फिर हमने ऐसे लोगों को चुना क्यों? और फिर वो लोग अगर ऐसी बात है तो यहाँ व्यापारियों के बीच में बैठते, यहाँ बैठ के अपने बताएं तो सही कि जब मेरी मजबूरी है, मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, मगर मैं नगर निगम में कुछ नहीं कर सकता, मगर क्योंकि मैंने आपसे वोट लिए हैं, नोट लिया है और आपने मुझे चुना है, मैं आपके सुख दुख में आपके साथ बैठा हूँ। वो भी हमारे साथ धरने पर बैठते, मगर ना वो यहाँ बैठने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, ना हमारी समस्या का समाधान करने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, ना हमको मिलते हैं। जब हम फ़ोन मिलाते हैं तो उनका फ़ोन भी नहीं मिलता, उठता नहीं, और नहीं तो मालूम पड़ता है कि फ़ोन मिलाइए, शाम को बोलते हैं जी मैं तो मेरठ में हूँ, आपको मालूम पड़ता है 10 मिनट बाद वो फतेहाबाद रोड पे एक जगह दावत खा रहे हैं। पोस्टर किए हैं, पोस्टर लगाए किसके लगाए? ये पोस्टर हमने पूरे संजय प्लेस में, जो भी हमारी जैसे पान की दुकानें हैं या जो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे लोग कलेक्ट होते हैं ज़्यादा, हमने उस जगह लगाए हैं। हमने अपने मेंबर्स की गाड़ी पर लगाए हैं ताकि पूरे शहर में ये पता लगे कि जिस जिसको माननीय सांसद जी मिले या विधायक जी मिले, सांसद जी के ऊपर हमने इनाम रखा है, जो सांसद जी को खोज के लाएगा उसको एक दिन पूरे गोलगप्पे फ्री मिलेंगे भरपेट, और अगर जो विधायक जी को लाएगा उसको बाकी पान वाले के 12 जोड़ा पान उसको हम फ्री देंगे, आप यहाँ लेके आए अगर आपको ये दोनों लोग मिल जाएं तो। अगर मैं गुमशुदा हूँ तो पूरा विश्व गुमशुदा है अपने क्षेत्र से। अक्सर ये देखा जाता है कि जो क्षेत्र में सांसद नहीं आते हैं, ऐसे कुछ उदाहरण नहीं, मैं नाम भी लेना चाहूँगा, फिल्म स्टार्स होते हैं जो नहीं होते उनके लगते थे, तो ऑन रिकॉर्ड कहने में मुझे कोई घमंड की बात नहीं है, हिंदुस्तान में सबको शामिल करते हुए मैं कह रहा हूँ 542 को, अगर मेरे से ज़्यादा घूमने वाला कोई मिल जाए ना और वो सिद्ध कर दे तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूँगा। दूसरी बात है, वो कह सकते हैं कि आप बहुत आते हैं उनके यहाँ नहीं आए, ऐसा कह सकते हैं ना? बहुत अच्छा रहा कि आपने ये सवाल पूछा। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि मैं उस धरना स्थल पर 26 जनवरी के दिन, ये मैं धरना स्थल पर, ये उनका कहना था कि आप कौन से थे उस वक्त, वो कह फिर गुमशुदा कहाँ से हो गए? वो ये कह रहे थे कि पानीपुरी नहीं, ये बैठा हूँ पानीपुरी बात की बात है, उसके बाद मैं पान खाऊं, सिगरेट पीऊँ, कुछ करूँ, मैं धरना स्थल पर बैठा हूँ, पानीपुरी के लिए नहीं गया था, धरना स्थल पर बैठा हूँ, ये देख लीजिएगा आप। और वो बोल रहे हैं, एक सीन उसमें होगा, एक में मैं बोल रहा हूँ, एक में मैं बैठा हूँ, उसके बाद उन्हीं के साथ हमने कुछ पानी बता सिखाए। इसके बाद रामकिशन वर्मा जी हैं जो संघर्ष समिति के हैं, अब ये देखिए आप कि मैं उनके बीच में घिरा हुआ हूँ, इसमें हम लोग खड़े हुए हैं, एक में मैं बोल रहा हूँ, एक में वो सज्जन बोल रहे हैं। इसके बाद रामकिशन वर्मा जी की दुकान पर थोड़ा और करने के लिए, ये मैं उनकी दुकान पे भी गया हूँ संजय प्रेस में। ये तो तीन चीज़ें हैं, पहली चीज़ ये है कि ब्रजेंद्र सिंह बघेल एडवोकेट मुझे याद आ रहे हैं, जो उनके साथ एक डेलीगेशन आया था जिनका ये कहना था कि मेयर जी से किसी प्रकार से बात नहीं हो पा रही है किन्हीं कारणों से, तो मैंने नवीन जैन जी को फ़ोन किया, और ये भी कहूँगा कि नवीन जैन जी ने उनको मिलने का समय दिया, और ये भी बात है कि उनकी बात भी हुई, पहला प्रयास मेरा ये। दूसरा प्रयास, बिना उनके निमंत्रण के, निमंत्रण दिए नहीं जाते हैं, क्योंकि संवादहीनता कभी नहीं होनी चाहिए, समस्या हल हो या ना हो देशों के बीच में या एजिटेटर्स और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में या जनता और सांसदों के बीच में, संवादहीनता से हमेशा गलतफहमियाँ होती हैं, ये मेरा अपना सिद्धांत है। तो मैं स्वयं पहुँचा हूँ वहाँ पर, और ये दिन 26 जनवरी थी, और 26 जनवरी का दिन बहुत व्यस्त होता है, किसी प्रधान को भी 2-4 गाँव में जाना पड़ता है झंडा फहरा, मैं वहाँ पहुँचा, तो दूसरा प्रयास मेरा ये है। तीसरा है, माहौल ठीक करने के लिए मैंने उनके साथ गोलगप्पे भी खाए, उसका पेमेंट भी मैंने किया, ठीक है। और चौथी बात, रामकिशन वर्मा जी के दुकान पर फिर मैं जाकर के बैठ के और ढंग से अलग से भी उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास किया, और इतना भी याद है कि उन्होंने एक पेन भी मुझे भेंट किया रामकिशन वर्मा जी। तो पहला प्रयास है कि मेयर साहब से समय दिलाया, नंबर दो है मैं धरना स्थल पर गया, नंबर तीन उनके पदाधिकारी के उस पर गया, और ये अखबार में भी आया। तो गुमशुदा उनके लिए होता है जो शहर छोड़ के चले जाते हैं, तो मेहनत करने वाले को कष्ट होता है, अगर इसके बाद दुनिया में जब जाएगा तो कहेंगे कि मेरा एक सांसद हो गया है, पता नहीं कहाँ हो गया। अच्छा, मैं पोस्टर जारी करूँ प्रतिदिन बिना नागा के 8 प्रोग्राम का,
लोकसभा वाले दिन के दिन का भी क्या मैं पोस्टर जारी करूं? प्रतिदिन तारीख वाइज, प्रतिदिन तारीख वाइज मैं आगरा लोकसभा का पार्लियामेंट चलने वाले दिन भी रात का जारी करूंगा कि उस दिन मैं वापस आया हूं। मैं 5 कार्यकाल में 23 रात दिल्ली में रुका हूं, तो इसके पीछे एक हिडन पॉलिटिक्स है। दूसरा एक चुंगी, और इससे सांसद का कोई संबंध नहीं होता है किस चीज़ का, ये जो ठेके वेके का, ठेके वाला चुनाव मैंने कभी लड़ा ही नहीं है। लोकसभा लड़ा, राज्यसभा लड़ा, विधानसभा लड़ा, तो चुंगी वाला चुनाव भगवान न करे कभी लड़ने की नौबत आए, लेकिन फिर भी स्थानीय सांसद होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म की समस्या हो, किसी भी ऑफिस की हो और किसी भी विभाग की हो, हमें उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, जिसके तहत मैंने और 4 दिन पहले और मैंने और राजकुमार चाहर जी को मैं कोर्ट कर रहा हूँ, हम दोनों ने आगरा के आयुक्त को एयरपोर्ट पर कहा कि भाई ये जो भी है बैठ के समस्या का समाधान क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने कुछ कोर्ट की और वो बताई। मैं राजकुमार चाहर जी को तभी कोर्ट कर रहा हूँ जब उन्होंने भी, हमने दोनों ने मिलकर नगर आयुक्त से इस बात को कही।